أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अखबार खैर व अफियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को खुशियाँ नसीब करे। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे, अगर कोई इंसान इसे ज़िंदगी में एक बार भी कर लेगा तो इंशाल्लाह इसके आने वाली ज़िंदगी में बेसकूनी गम ख़त्म हो जाएंगे। अगर बीमार को पढ़कर दम करेगा तो बीमार के लिए सेहत की राहें बन जाएंगी। औलाद के लिए इसे करेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह औलाद की नियामत अदा करेंगे। अगर और इसकी कोई दवा है जो पूरी नहीं हो रही, ये वजीफा पढ़कर इस दवा को मांगेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दवा ज़रूर कबूल करेंगे। ये वजीफ़ा है सूरत फातिहा का। मेरे भाइयों और बहनों, सोचिए तो सही, जिस सूरत को रब्बुल आलमीन ने कुरान के आवाज़ में रखा, कितनी बरकत वाली सूरत है। सोचिए तो सही, वो सूरत जो नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है, वो कितनी अजीम सूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वो सूरत है, इसके बारे में सोने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लफ्ज लफ्ज के बदले अल्लाह ताला इस बंदे को बेरू अताएं, बेरू खुशियां, बेरू बरकतें और इसकी दुआ को कबूल करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वजीफा आपने इस तरह करना है, हो सके तो कुरान पाक को ज़रूर खोलें। कुरान पाक को खोलकर सूरत फातिहा को निकाल लें। 100 बार सूरत फातिहा को पढ़ना है। उलमा कहते हैं जो बंदा 100 बार अगट्ठा सूरत फातिहा को पढ़ता है और इसके बाद जो भी दवा मांगता है, कायनात का रब वो इसकी दवा पूरी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो हो सके तो सूरत फातिहा को निकाल कर कुरान खोल कर उंगली रख कर पूरे दिल के साथ, तड़प के साथ, ध्यान के साथ बेकारी बन कर अल्लाह को अपनी अर्जी दे। इंशाल्लाह मेरा ईमान है, क्योंकि किताबों के ढेर लगे हैं जो बता रही हैं, हदीस मुबारक इतनी ज्यादा हैं जो पुकार रही हैं सूरत फातिहा की फजीलत। इसको पढ़कर दुआ कबूल होती है, इसको पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह ताला बीमार को शिफा देते हैं, इसको पढ़ा जाए तो गम दूर होते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब आप सूरत फातिहा को 100 बार पढ़ लें तो फिर आपने दुआ मांगी। अगर आप इस वजीफे को इस माह में करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह डेरू बरकतें देंगे। अगर आप इस माह को नहीं कर सकते, किसी और दिन भी अगर आप ज़िंदगी में ये वजीफ़ा करना चाहें तो सूरत फातिहा का वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह हर दुआ कबूल ज़रूर होगी। हज़ारों लोगों का ये आजमाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा है, तो अल्लाह का नाम लेकर इस वजीफे को शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमतें आपको नसीब हो जाएंगी।